भारत की इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने मुसलमानों के घरों को जलाना शुरू कर दिया है। आरएसएस और बजरंग दिल के इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हुए उनके घरों पर पेट्रोल बम्बों से हमला किया और आग लगा दी और 250 से जायद घर जला दिए। भारत में मुसलमानों पर जुल्म नया तो नहीं है, इससे पहले भी आए रोज इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहते हैं। कुछ रोज पहले भी भारत के एक शहर में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर गाय जिबा करने का इल्जाम लगाकर एक नौजवान को शदीद मारा पीटा था। हिंदुस्तान में 23 करोड़ से जायद मुसलमान मौजूद हैं और हिंदू तंजीमें मुसलमानों को भारत से बाहर निकालना चाहती हैं। अब भी भारत में मोदी सरकार की सरपरस्ती में चलने वाली तंजीमें आरएसएस और बजरंग दिल ने पेट्रोल बम्बों से हमला किया और मुसलमानों के घरों को जलाना शुरू कर दिया। अभी तक मुसलमानों के 250 से जायद घर जलाए जा चुके हैं और मुसलमान बेघर होकर खुले आसमान तले रातें गुजारने पर मजबूर हैं। हिंदू मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं और इनका वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय मुसलमानों ने भारतीय सरकार से नोटिस लेने की अपील भी की है, लेकिन चूँकि भारत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है जो कि मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, इसलिए मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे पहले भी मुसलमानों के घरों को हिंदुओं की जानब से मिसमार किए जाने और जलाए जाने के वाकयात हो चुके हैं, लेकिन कभी भी भारतीय हुकूमत इन हिंदू दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। भारतीय मुसलमानों ने इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी अपील की है कि वो इन पर होने वाले जुल्म का नोटिस लिया जाए। भारत कश्मीर में भी मुसलमानों पर जुल्म करता चला आ रहा है और अब भारतीय इंतहा पसंद जहनीत की तंजीमों ने मुसलमानों के घरों को जलाना शुरू कर दिया है।